अपनी तेज गति के लिए प्रशंसकों के बीच स्टेन गन के नाम से मशहूर ये दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। स्टेन ने ट्वीट कर कहा, आज मैं आधिकारिक तौर पर उस खेल से संन्यास ले रहा हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे। बताने के लिए बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं, परिवार से लेकर टीम के साथियों तक, पत्रकारों से लेकर प्रशंसकों तक, सभी का धन्यवाद। स्टेन ने आगे कहा, ट्रेनिंग मैच ट्रेवल जीत हार खुशी और भाईचारे के 20 साल हो गए। धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे चेहरे हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले स्टेन ने साल 2004 में टेस्ट से डेब्यू किया था। इस तेज गेंदबाज ने 2019 में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। बता दें कि स्टेन काफी लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच श्रीलंका के खिलाफ मार्च 2019 में खेला था। स्टेन गन के नाम से मशहूर इस दिग्गज गेंदबाज ने टेस्ट में 439 वनडे में 196 विकेट और T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 64 विकेट चटकाए थे। बता दें कि इस साल की शुरुआत में स्टेन ने IPL से भी अपना नाम वापस ले लिया था। वह विराट की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हिस्सा थे। इस तेज गेंदबाज ने मार्च 2021 में पाकिस्तान सुपर लीग में सुल्तान्स के खिलाफ आखिरी प्रोफेशनल मुकाबला खेला था। वह क्वेटा ग्लेडिएटर्स टीम का हिस्सा थे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।